गुड आफ्टरनून बच्चों, आज हम क्लास 6 सब्जेक्ट ज्योग्राफी, चैप्टर है मोशन ऑफ द अर्थ, इसके क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, व्हाट इज द एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस विद इट्स ऑर्बिटल प्लेन। जो ये एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन है किसका, अर्थ एक्सिस का है, वो ऑर्बिटल, जो उसका ऑर्बिटल प्लेन है उसके साथ एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन कितना बनाता है, जो अर्थ के एक्सिस अपने ऑर्बिटल प्लेन के साथ एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन कितना बनाता है। द एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस विथ इस ऑर्बिटल प्लेन इज 66.5 डिग्री। कितना बनाता है ये एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, 66.5 डिग्री। सेकेंड सवाल है, डू डिफाइन रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। रोटेशन और रेवोल्यूशन क्या है। रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। रोटेशन वो मूवमेंट है जब अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट करे, उसको क्या बोलते हैं, रोटेशन। एंड रेवोल्यूशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन ए फिक्स्ड पाथ और ऑर्बिट। और जो रेवोल्यूशन क्या है, जब वो अर्थ हमारी अर्थ सन के इर्द गिर्द चक्कर लगाए एक फिक्स्ड पाथ में, उस पाथ को क्या बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं। उस मूवमेंट को क्या बोलते हैं, रेवोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, व्हाट इज ए लीप ईयर। लीप ईयर क्या है, ए ईयर इन विच देयर आर 366 डेज। वो साल जिसमें कितने दिन हो, 366 डेज, इंस्टेड ऑफ 365। 365 के बजाय कितने दिन हो, 366 डेज, इज नोन एज लीप ईयर। उसको क्या बोला जाता है, इज नोन एज ए लीप ईयर। इट अकर्स आफ्टर द इंटरवल ऑफ एवरी 4 ईयर्स। जो ये लीप ईयर है वो कब कब आता है, 4 साल के बाद, हर 4 साल के बाद क्या आता है, लीप ईयर है। द नेक्स्ट लीप ईयर इज ड्यू इन 2024। जो नेक्स्ट लीप ईयर है वो कब है, 2024 में। थैंक यू बच्चों।